क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि आप ये जो फंक्शन है ना इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है मतलब आपको इसकी डिफरेंशियबिलिटी को टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है ये फंक्शन डिफरेंशियबल है ना वाज आस्किंग कि इन केस अगर ये फंक्शन डिफरेंशियबल है तो फिर आप इसका डेरिवेटिव को पता करिए अब देखिए इसके डेरिवेटिव को पता करने के मेरे पास जो अभी ऑप्शन अवेलेबल है वो ये है कि मैं इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं और फिर मैं इसको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूं ये एक अप्रोच है और आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी याद होगा कि बुक्स में एक्स का डायरेक्ट भी बराबर होता है बट इन गिवन क्वेश्चन वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसमें इम्प्लिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करके इस रिजल्ट को प्रूव करें मतलब

टेंजेंट ऑफ वाई ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि तो तभी जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो ये रिजल्ट जनरेट हो रहा है रिजल्ट जनरेट होगा विच इज योर वाई इज इकल टू टेन वर्स एक्स के अब करना क्या है आप किविन फंक्शन को बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करिए अगर आप किविन फंक्शन को बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डायरेक्टिव तो आपको मिलेगा वन लेकिन जब आप टेन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेन का डायरेक्टिव आपको मिलेगा sec square y, सबसे पहले तो टेन वाई को करना पड़ेगा और फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा वाई को भी और वाई का डायरेटिव आपको मिलेगा डीवाई ओवर डीएक्स के अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं वन अपॉन सेक्स स्क्वायर वाई वन अपॉन सेक्स स्क्वायर वाई एंड दैट इज इक्वल टू डी वाई ओवर डीएक्स या फिर हम लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि डीवाई ओवर डीएक्स डीवाई ओवर डीएक्स इज इक्वल टू वन अपॉन

वन प्लस एक्स स्क्वायर की तो फाइनली दिस इज द प्रोसेस टू डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स एक्स अगर आपके पास फंक्शन है वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ठीक है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आपको मिलता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के